कहा कि ये आपका घर एक तरह से कुछ कहेंगे यहाँ की टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर को मैं बहुत श्रेय देती हूँ. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बहुत सालों से और मैं बहुत ही नज़दीकी इन सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ और मैं इस रिसर्च सेंटर को बहुत मान्यता देती हूँ क्योंकि यहाँ रिसर्च में जो भी काम करते हैं वो लोग बिल्कुल कटिंग एज करते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पर करते हैं. तो मैं बहुत मानती हूँ इस रिसर्च सेंटर को. मैं यहाँ के कुछ लोगों को हमेशा अपने पास खींचने की कोशिश करती हूँ लेकिन टाटा मेमोरियल में वो कभी जाना नहीं चाहते. सोचिए यहाँ का पुल कितना अच्छा है. और कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है बच्चों के लिए जो बहुत अफसोस होता है मुझे जब मुझे सुनने में आता है कि 12 साल या 9 या इवन 3 साल के बच्चों को कैंसर होता है. लेकिन आज का एक अच्छी बात यह है कि 90% से भी ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है. बस यही है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं लेकिन वो उनका भी अब धीरे धीरे हल हमें मिल रहा है. तो आई विश गुड रिकवरी टू ऑल द पीपल हु आर किड्स एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर. मेरी तरफ से आपको सारी दुआएं लग जाए मेरी और आप यूं ही ऐसे एंटरटेन करते रहिए क्योंकि इन्हीं बच्चों मैंने मुझे ये भी याद है जब मैं आई थी अभी कुछ महीने पहले कि यहाँ पे रिहर्सल्स चल रहे थे बच्चों का जब वो डांस कर रहे थे गा रहे थे. उस समय कोविड के कारण वो लोग नहीं कर पाए वो इवेंट. मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो इवेंट हो पाए और ईशा जी इस चीज़ को बहुत अच्छा बढ़ावा दे रही है. थैंक यू सो मच. आप यूँ ही करते रहिए. आपने 7 साल किया आप 100 साल और करिए. थैंक यू. क्योंकि ऐसा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ना बच्चों को ना खुश कर देता है. उनको एक मौका देता है अपनी अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकालने का और फिर अपना दुख भुलाने का. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया एंड मैं रोज़ आना चाहूँगी यहाँ पे सारे बच्चों के साथ बैठना चाहूँगी सब बच्चों को ख्याल रखना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा असली में प्रोफेशन है. एक्टिंग तो खैर मेरा पैशन है लेकिन मेरा प्रोफेशन डॉक्टरी ही है तो मैं यही मेरा असली प्रोफेशन है. सबने देखा आप भी इंजॉय आपने भी डांस किया होगा. हाँ जी. क्या कुछ कहेंगे ये जब आप सोच लीजिए जिसको इतनी तकलीफ हो और वो इतनी खुशी से नाच सकता है तो हम क्यों नहीं उसके साथ नाचेंगे. तो मुझे तो वो ऐसे खींच के लेके आई मेरे पास और मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ डांस करने में. ईशा जी मतलब चाहे कि ऐसा और प्रोग्राम करते ताकि और लोगों में पेशेंट में हौसला हो. हम लोग आपको बता नहीं सकते ये 2.5 साल बाद हमने प्रोग्राम किया. हम हर दिवाली पे करते हैं ये सेम प्रोग्राम. इससे बड़ा प्रोग्राम होता है और जितनी खुशी हमें ये करने में है ना हम बता नहीं सकते. 2.5 साल से हम वेट कर रहे थे ये प्रोग्राम करने के लिए और ये सब खुशियाँ देख के सबके चेहरे देख के सिर्फ एक दिन हम आप थोड़ा सा वो गम हटा सकें सिर्फ हमारी यही कोशिश रहती है. और निहारिका जैसे लोग आते हैं और सच्ची में और उनके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है क्योंकि सब गाँव देहात से लोग आए होते हैं तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता किसी सेलिब्रिटी से मिलना है. तो एक हम थोड़ा सा मोमेंट उनके लाइफ में खुशी थोड़ी सी एक पल खुशी का दे सकें हम सिर्फ इतनी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा करते रहेंगे. इसके अलावा और संस्था क्या क्या प्रोग्राम करती है? हम लोग एक्चुअली ट्राइबल एरिया के लिए बहुत काम करते हैं बच्चों के लिए हेल्थ के लिए एजुकेशन के लिए. इस टाइम पे 10,000 बच्चे हैं जिनके साथ हम हर साल काम करते हैं एजुकेशन मटेरियल से लेके उनकी बेसिक नीड्स से लेके जितना हमसे बन पड़ता है हम उतना करते हैं. पर मुझे वाड़ा मुखाड़ा ज्वार धानू पालघर शाहपुर सारे एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे. और 100 से ज़्यादा वॉलंटियर टीम है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और 5-6 साल से कंटिन्यूसली वही सेम लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं फुल पैशन से. मतलब मुझे लगता कोई NGO ऐसी होगी जिसके पास इतने सारे वॉलंटियर्स होंगे विदाउट इवन सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस इज अचीवमेंट फॉर अस. बिग चीयर्स फॉर द वॉलंटियर्स क्योंकि बिना वॉलंटियर्स का कोई NGO नहीं चलता विदाउट.
कंग्रेचुलेशन. या थैंक यू सो मच. डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? एजुकेशन मटेरियल, क्योंकि जिस एरिया में मैंने काम करना शुरू किया था वहाँ पे टीचर्स ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी मुझे कि बिकॉज ऑफ पेंसिल्स, बिकॉज ऑफ नोटबुक्स ड्रॉप आउट्स होते हैं, तो वो प्रोवाइड करना, वो भी खरीद नहीं पाते, उस चक्कर में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते. तो वो समझ में आता मुझे कि जब आपके पास वो बेसिक चीज़ नहीं है तो आप स्कूल आने का आपका मन नहीं करेगा ना. तो हमने सोचा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, देखो सारी संस्थाएं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं बेसिक से शुरू करो. और बेसिक अगर चीज़ें खत्म होंगी ना, एक बच्चा स्कूल आना शुरू करेगा, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती हैं, देन वी कैन थिंक समथिंग एल्स. सो दिस इज द ओनली स्मॉल स्टेप वी आर डूइंग एंड we came long way now. बाकी नहीं है कि सही बात है, education cast तो बिल्कुल, मैं तो education education को एक इंसान की foundation मानती हूँ. मैंने भी बहुत पढ़ाई लिखाई की, अब मैं नौटंकी दुनिया में आ गई हूँ, लेकिन basic मेरा education ही है. और मैं भी यही बोलूँगी सब लोगों को कि education is first, बाद में फिर है entertainment. इन दोनों फिल्मों के बाद क्या क्या हो रहा है? ये जो विद्युत जामवाल के साथ मैं पिक्चर शूट कर रही हूँ, इसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. संकल्प रेड्डी जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता गाजी अटैक के लिए, उन वो डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के, और बहुत ही बेहतरीन कहानी है. और विद्युत जामवाल का एक्शन आपको कमाल का लगेगा, और मैंने भी एक्शन किया है इस फिल्म में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बधाई देना चाहता हूँ स्वाति जी और संतोष जी को और पूरे PR डिपार्टमेंट को कि ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने 25 साल पहले चालू किया था उस प्रोग्राम को कंटिन्यूएशन कर रहे हैं ये. और मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा सानवी जी, आयशा जी का, जो सानवी से जो जुड़ी हुई है. और इससे पहले वो रूरल में ही ज़्यादा काम करती थी, लेकिन कैंसर पेशेंट से वो 7 साल से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है. गीताली जी हमारी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है. मुकेश भाई है जिन्होंने आज गिफ्ट स्पॉन्सर किया है. मेन हमारा मुद्दा ऐसा होता है कि टाटा हॉस्पिटल जो है इलाज तो करता ही है, लेकिन साथ साथ में जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत दूर से आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं भारत के. और इनको यहाँ आने के बाद में इनकी कोई फैमिली एक्चुअली पास जल्दी होती नहीं है. ये सारे प्रोग्राम्स में वो एक फैमिली बन जाते हैं टाटा हॉस्पिटल के साथ, उनको लगता है कि ये हमारी फैमिली है. तो इसके फ्यूचर में जो इलाज होता है उनका, तो उसके अंदर उनकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है. और इसके साथ साथ हम लोग जैसे ये प्रोग्राम करते हैं, इसके अलावा एक प्रोग्राम करते हैं जो संतोष खास करके इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लेता है. हमारे पूरे इंडिया से जो भारत से जो लोग आते हैं बच्चे, उनको 4 दिन के लिए गोवा ले के जाया करते हैं. और वो गोवा में जो है, गोवा गवर्नमेंट आज हमारे हमको कम्प्लीटली उनको घुमाती है फिराती है फ्री ऑफ चार्ज. कोंकण रेलवे फ्री हमारे को ट्रेन का एक पूरा बोगी देता है आने और जाने के लिए. तो ये सारे प्रोग्राम जो है सिर्फ इसका एक ही मुद्दा होता है. जैसे गोवा के जो टूर होती है उसमें भी ये मुद्दा होता है कि पेशेंट एक साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे हमारा बच्चा ठीक हो गया, आपका भी अच्छा हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए. और जैसे जैसे फाइनेंशियल हेल्प है, अकोमोडेशन है, वो सारी हेल्प उन लोग अपने को इनको दिलाते हैं. तो टाटा हॉस्पिटल खास करके जिसकी वजह से आज हम सब हैं, PR डिपार्टमेंट भी उसी वजह से है. मैं टाटा हॉस्पिटल के बनाने वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने साल पहले उन्होंने ये सब सोचा और आज इतना सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं इनके लिए. और मैं स्पेशल थैंक्स फिर से एक बार वापस देना चाहता हूँ स्वाति और संतोष को कि जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है. 3 साल कोविड में कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया, ये कोविड के बाद का पहला प्रोग्राम है टाटा हॉस्पिटल में, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही प्रोग्राम बहुत सारे होंगे. और आप सबका धन्यवाद शुक्रिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक ये मैसेज पहुँचे कि कैंसर इज़ क्यूरेबल. अगर जल्दी से अगर आप इलाज करते हैं तो कैंसर इज़ क्यूरेबल, और सही जगह पर इलाज करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए जल्द से जल्द लोगों ने अपना भय निकाल के आना चाहिए. टाटा हॉस्पिटल इधर है, ये सब आपके लिए तैयार है. थैंक यू. उनकी जो मंजिल है वही मंजिल के चलना हम लोग सीख रहे हैं. देखते हैं कि आगे आगे हम कितनी सेवा दे रहे हैं पेशेंट. थैंक यू. भाई अभी जैसे जाफरी सर ने कहा कि टाटा हॉस्पिटल सिर्फ इलाज ही नहीं करता पेशेंट्स का, पेशेंट्स को अलग से कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिले इसलिए अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते हैं, जिसके तहत दिवाली सेलिब्रेशन है. जैसे अभी ये प्री मॉनसून हमने आफ्टर कोविड 2 साल के बाद जो हम ये तो इससे वही है कि पेशेंट्स में पॉजिटिविटी बढ़ती है ट्रीटमेंट में. और एक यू कैन सी अभी आपने अंदर देखा ही होगा कि किस तरह से बच्चे और बड़े इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को.
तो सबसे पहले तो मैं हमारे हॉस्पिटल टाटा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को थैंक यू बोलूँगी कि हमें उन्होंने इतना इनकरेज किया है ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए. कोई भी हम पेशेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो हमेशा हमें इनकरेज करते हैं. तो हम मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को पीआर की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी और हमारा पूरा जो टीम है आपको भी थैंक यू सो मच. आप लोग यहाँ आए, इतना अच्छा आपने प्रोग्राम कवर किया, थैंक यू सो मच. हाँ, मुझे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है और बड़ों के लिए तो इतना अच्छा कार्यक्रम मनोरंजन चल ही रहा था. मैंने कहा बच्चों को भी थोड़ा नचाना चाहिए, बच्चों को तो मज़ा ही आता है नाचने गाने में. तो इसलिए बस बहुत इम्प्रॉम्प्टू था मेरा और शीतल का परफॉर्मेंस एंड आई एम सो हैप्पी कि सबको मज़ा आया, सब ने इन्जॉय किया, सब नाचे गाए. और मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आ रही हूँ एंड आई एम फीलिंग रियली रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. बिकॉज इतनी चीज़ें होती रहती है, हमें पता नहीं चलता, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं. आज मेरे पास मौका भी था, ये दस्तूर भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके एंड आई विश द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड सानवी वेलफेयर लाइक अ लॉट ऑफ बेस्ट विशेज. बिकॉज आई थिंक ये कार्यक्रम चलते रहना चाहिए. मैं बैठी हुई थी और मैं देख रही थी कि सब लोग इतने खुश थे, इतना एंजॉय कर रहे थे और उनके चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे अच्छा लग रहा था. आई थिंक दिस इज़ लाइक माय वे ऑफ टेकिंग पॉजिटिविटी फ्रॉम एवरीथिंग. सो एवरी टाइम मैं मतलब मुझे कुछ ही समय हुआ है सानवी के साथ जुड़े हुए और इसलिए मेरा ये पहला कार्यक्रम है. और जब भी ये होगा मैं डेफिनेटली यहाँ पे आऊँगी, वॉलंटियर करूँगी, ऐसे ही गाऊँगी और बच्चों को हंसाऊँगी. इन दिनों क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? सो आई रिसेंटली डिड अ शो ऑन जी टीवी कॉल्ड तेरे बिना जिया जाए ना. और फिलहाल मैं थोड़ा टीवी ब्रेक तो नहीं ले रही हूँ बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग. और पाइपलाइन में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, वेब सीरीज जिनके लिए बात चल रही है. सो विश मी लक, आई होप इट वर्क्स आउट. और फिर आप मुझे जल्दी वेब सीरीज में देखेंगे वापस. सिंगिंग मेरा पैशन है. तो जब मैं छोटी थी ना तो मैंने क्लासिकल सीखा है थोड़ा सा, सो इसीलिए सिंगिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मी, म्यूजिक इज़ अ पार्ट ऑफ मी. तो मतलब इंडियन आइडल तो नहीं जा रही मैं गाए बट मैं अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत लोगों को एंटरटेन करती रहती हूँ, गाना गाती हूँ, तो बस वही चलता रहता है. कभी मौका मिला तो बड़े स्टेज पे भी गाया जाएगा. थैंक यू. से हम लोग टाटा हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग साल में 3 बार मेजर प्रोग्राम्स करते हैं. जैसे ये अभी का है, इसको हम बोलते हैं प्री मनसून पेशेंट के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम. यहाँ पे जैसे आपने देखा अभी एक लाइव ऑर्केस्ट्रा है, मैजिक शो है, उसके साथ ऑलमोस्ट मोर देन 400 पेशेंट्स आज के दिन रहेंगे जिनको हम ये गुडी बैग्स देने वाले हैं. उसमें 13 चीज़ें हैं जो बहुत इसेंशियल आइटम्स हैं उनको जो लगती है वो, और उसके बाद हम उनको थोड़ा सा फूड पैक भी देने वाले हैं. तो उसमें हमने जैसे बच्चों के लिए पूरा ड्राइंग किट है, उसमें इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, स्केच पेन, वैक्स क्रेयॉन, पूरा ड्राइंग बुक, उसके बाद टी शर्ट्स है, सोप है, ब्रश है, पेस्ट है, यू वांट टू सी इट. और औरतों के लिए पेटिकोट्स है. बाकी के हमने चीज़ें सेम रखी है जैसे ब्रश, पेस्ट, नैपकिन, सोप और एज फार एज मैन आर कंसर्न लुंगी डाली है. जो दूसरे आपको एक दिखाऊं बैग हम खोल के, ये लुंगी, ये डब्बा, मास्क, फेस मास्क, नैपकिन, ब्रश, पेस्ट, ये बिस्किट, बिस्किट है, 2 बिस्किट्स है, सूप भी है, और ये जो है वो बैग मिल जाती है. क्या लेते हैं वैसे ही बच्चों के, ये बहुत हमको लगता है ब्रश और पेस्ट, बट ब्रश और पेस्ट हमारे जो पेशेंट्स आते हैं ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स जो है वो बम्बई के बाहर से आते हैं जिनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ब्रश या पेस्ट भी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते. तो ये बहुत अति आवश्यक चीज़ें हम देते हैं उनको. और ऐसे हम साल में बड़े प्रोग्राम जो हॉस्पिटल में 3 करते हैं, बाकी हर महीने कुछ अलग अलग करते हैं. ये बच्चों का बैग है, बच्चों के बैग में जैसे मैंने अभी आपको कहा ये
ड्राइंग बुक है, ये टी शर्ट है, ये कुछ स्केच पेन है, वाटर कलर, रूलर, रूलर, शार्पनर, टी शर्ट, उसके बाद ये प्लेट है, पेस्ट, डब्बा, देयर्स अ इरेजर इनसाइड, या नैपकिन, सोप, सोप, वाटी, ये हमको लगता है पर हमारे जो पेशेंट्स बाहर गांव से आते हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत उपयोगी होते हैं। ब्रश है, इसमें वैक्स क्रेयॉन्स है, ये पजल है बच्चों के लिए, मास्क है, और ये और औरतों के इसमें जहाँ पे आपने मर्दों के बैग में लुंगी देखा था, ये सारे आइटम्स वही होते हैं, सिर्फ वहाँ पे पेटीकोट है। हाँ, ये यहाँ पे रखो, लेडीज का थोड़ा चेंज रहता है, जेंट्स का चेंज, और बच्चों का थोड़ा, बाकी कॉमन आइटम सेम रहती है।